तो यहाँ पे ना नीचे खेत में चलते हैं और घास की सफाई करते हैं, क्योंकि अब सीजन आ गया सब्जी लगाने का, तो सब्जी लगाने से पहले घास की सफाई तो करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलते हैं हम भी खेत की और। अभी मैं किचन में काम कर रही थी और सब्जी काट दी मैंने, आटा गूंथ दिया, क्योंकि जब खेत में जाते हैं थोड़ा थकान सी हो जाती है, चाहे यार काम ही ना करो, खेत का नाम सुनते ही थकान हो जाती है। तो मैं फटाफट से किचन का काम खत्म करके नीचे आई। नीचे आके मैं खेत में जाती हूँ, क्योंकि खेत में यार बहुत दिनों से सोच रहे थे कि खेत में गुड़ाई कर देते हैं, तब जाकर थोड़ी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, और फिर जैसे राई मूली इसको बोएंगे तो उसके लिए अच्छी मतलब मिट्टी है कि सूख जाएगी थोड़ी, क्योंकि गिल्ली बहुत ज़्यादा हो रखी थी मिट्टी और बैठ भी बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि बरसात का जो पानी है ना यहीं पे रुक जाता है और मिट्टी इतनी सख्त हो रखी ना, खोदा भी नहीं जा रहा खेत, पूरा खोदा भी नहीं जा रहा। तो कह रहे थे मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोदा जा रहा बिना फावड़े से, तो फावड़ा मैंने अंदर से लाया नहीं था, क्योंकि फावड़े से पता क्या होता है फटाफट खोदते हैं, फिर वो जो कुदाल होते हैं कुदाल से फिर घास वगैरह निकाल देते हैं। और तो मैं अंदर जाती हूँ, अंदर से मैं फावड़ा लाती हूँ, पर मैंने पहले क्या सोचा कि कुदाल इसी करते हैं। तो यहाँ पे मिर्च भी लगा रखी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मिर्च इधर मिर्च भी लगा रखी, मिर्च ने बरसात में बिल्कुल ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे अब लग रही मिर्च, कम बारिश हो रही तभी जाके मिर्च लग रही है। मिर्च आपको दो कलर की मिलेगी, यहाँ पे देखो एक हरी कलर है एक बैंगनी कलर है, इसके फूल भी वैसे हैं, मिर्ची भी वैसी हैं। तो ये ना पूरी ख़राब हो गई थी, ऊपर से अजीब अजीब से मतलब वो हो गया था, तो मैंने कटिंग कर दी थी। इसकी जो कलियाँ फिर दोबारा आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि अब बारिश कम हो रही ना इसलिए ये अच्छी हो गई। तो यहाँ पे बासू का पेड़ भी लगा रखा था, तो बासू का पेड़ हमने वैसे ही रहने दिया, क्योंकि इसके बीज झड़ेंगे तो ये खुद ही जम जाते हैं अपना भी, एक बार लगा दो अब बाकी अपना भी बीज झड़ते हैं और लगाते हैं। उसके बाद मैं आई यार, मैं सोचा वहाँ जी झूठ बोल रहे होंगे कि नहीं खोदा जा रहा है, तो मैं यार एक हाथ से नहीं काम कर सकती सीधे वाले हाथ से, क्योंकि ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो रखा था एक साल पहले, तो मतलब सीधे इसमें दिक्कत है, उल्टे हाथ से यार कितना खोदा जाएगा। तो मैंने फावड़ा लाया, फावड़ा से चौहान जी ने फटाफट इसको खोदा और बिल्कुल साफ दो क्यारियाँ इधर बना दी, एक क्यारी उधर बना दी, अभी रह रखी यार दो तीन चार पाँच छः क्यारियाँ बनेगी, तो छः क्यारियाँ अभी साफ करनी पड़ेगी। इसने घास रह रखा तो इसको घास नहीं काटा था अभी, तो इतना ही पौधा, क्योंकि सांप जब मच्छर काट रहे थे ना बहुत ही ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ छोटा पपीता का पेड़ और ये है गुड़हल का पेड़, हाँ तो गुड़हल के पेड़ के नीचे ना अरबी बिल्कुल खत्म हो गई थी, पिछली बार इतनी अच्छी होती थी अरबी बहुत ही अच्छी होती, तो गुड़हल का पेड़ ही देखो जरा, और फूल इतने अच्छे हैं ना गुड़हल के, बहुत ही अच्छे। मेहंदी का पेड़ है, मेहंदी का पेड़ ना गुड़हल के पेड़ के नीचे बिल्कुल गल गया, मतलब बड़ा ही नहीं बिल्कुल यार, पता नहीं कब से लगा रहा था मैंने, लेकिन ये गुड़हल की छाया से ना बिल्कुल ही अरबी भी खत्म हो गई थी और मेहंदी का पेड़ भी खत्म हो गया था। तो यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए कर रखा हमने ये पहाड़ी स्टाइल, जो पहाड़ी गाँव में हम पता क्या करते हैं, जैसे भैंस और वो होती है हमारी गाय होती है, तो गोबर होता है उसका, तो उसके गोबर का धुआं करते हैं ताकि मच्छर ना काटे, गाय भैंसों को मच्छर ना काटे, आदमी को मच्छर ना काटे। तो जो गोबर के जो उपले बनाते हैं ना उसका धुआं करते हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि मच्छर बिल्कुल पास नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ खीरा, तो खीरा हमारी इतनी लगी हुई ना कि बहुत ज़्यादा, कुछ हमने खा भी ली पहले, अब पहले मक्के में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी यार, जब मक्के हमने काट दी ना उसके बाद चला खीरा का पता, ये देखो जरा यहाँ पे फिर भी लगी हुई है। और इधर मैं दिखाती हूँ दूसरी खीरा, मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी, तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और खाई भी हमने पहले निकाल के खाई भी, और फिर दिखाऊंगी। उस समय यार मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, तो उस समय ध्यान यार पता पड़ जाओ अब खीरा लेके आओ खेत से, जब अपने खेत को यहाँ पर ये लगी तो इसको मैं निकालूंगी, हाँ सोचा है यार निकालूंगी, इसका रायता बनाऊंगी। नीचे भी है यहाँ पे, इस पेड़ से हमने दो तीन खीरे खा दिए और ये बाकी है, और इधर बात छोड़ी थी यहाँ भिंडी भी है, भिंडी पहले मैंने दिखाई थी यार आपको कितनी ख़राब हो रखी थी भिंडी, जब मैंने कटिंग कर दी ना कटिंग के बाद ये दोबारा इतनी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और एक पेड़ दिखाऊंगी मैं आपको भिंडी का, ना पता नहीं ये कहाँ से आया, मैंने तो बोया नहीं ये बीज, पता नहीं कहाँ से जमा, ये देखो इतनी अच्छी भिंडी, अब जब पेड़ है ना भिंडी का बहुत ही लंबा हो रखा है, ये देखो जरा कहाँ तक जा रखा है, ये अलग ही है, इसके पत्ते भी अलग हैं, इसके फूल भी अलग ही हैं, और भिंडी इतनी इतनी सी भिंडी लगती है, और भिंडी नीचे, और ये पपीते के पेड़ यार पता नहीं क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसमें तोरी भी लगी हुई है, ये ना पहले हरे थे बिल्कुल, फिर इसमें पीलापन आया पत्तों में, पहले पत्तों में पता चलता है इसका, और नीचे से बिल्कुल साफ है, मतलब ये पे तीनों पेड़ यहाँ पे जो तीनों पेड़ सड़क के साइड, तीनों पेड़ ऐसे होते हैं, देखो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, साइड वाला मुझे लग रहा कि हाँ साइड वाला भी कम मतलब खत्म होने वाला है बिल्कुल ही। तो ये देखो जरा यार जब इतने बड़े बड़े हो गए पपीते इतने लगे हुए ना बहुत ज़्यादा, फिर मैंने इसके नीचे मैंने छोटे छोटे पपीते के पेड़ भी लगा रखे हैं सड़क के साइड, ये यहाँ पे भी लगा रखा और यहाँ पे इधर भी लगा रखा है मैंने, मतलब पूरे जब ये पता नहीं मुझे नहीं पता चलता यार कि इसमें कीड़ा लगता है या मिट्टी से ऐसे होता है, तो इसमें भी मुझे अभी पत्ते इतने अच्छे हैं, ऐसे ही थे सारे जो तीनों पेड़ ऐसे रखे सेम ऐसे ही थे। और यहाँ पे बारहमासी भी जमी हुई है, इसके बाद लगाई थी मैंने पूरी बेल इधर,
लपेट रखी थी, लेकिन इस बार ना अपना भी बीज निकला और अपना भी झड़ा, मैंने बोई नहीं, अपना भी जमी हुई है। जैसे बीज झड़ा होगा ना तो अपना भी जम गई। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, तो अंदर जाके तो यहाँ पे अमरूद भी दोबारा लग गए, पहले भी हमने अमरूद खाए थे। ये है गेंदे के फूल, तैयार फूल लगाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है, आप देखते होंगे वीडियो में बार बार। और ये यहाँ पे ना ये फूल जो मैंने जब ऊपर लगाए थे, ऊपर से जैसे फूल फेंकते ना सूख जाते हैं, फूल फेंकते हैं तो नीचे जम गए थे, बाउंड्री के साइड सारे जम गए थे, तो मैंने उखेड़े नहीं रहने दिए, तो बहुत ही अच्छे जमे हुए हैं। यहाँ पे साइड पे एलोवेरा भी लगा रखा है यहाँ पे, और गेंदे के फूल भी लगा रखे हैं, और फूल ना बहुत ही अच्छे लगे, गुड़हल का फूल, ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा, फूल भी इसके अच्छे नहीं आ रहा, इसके नीचे तो सब्जी बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसमें ये देखो गिलोई की बेल भी है इसमें, तो गिलोई की बेल भी लगा रखी है यहाँ पे, हर चीज़ यार यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको, बिच्छू घास क्या, गिरोज की बेल क्या, और नींबू के पेड़ वगैरह सब लगाते हैं। एक पेड़ मुझे खेत में मिला था, मुझे ये नहीं पता ये पेड़ यार सेब का है कि ये पेड़ पूलम का है, और पत्ते मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सेब के, और कभी ऐसे लगता है जैसे पूलम के। तो ये खेत में जम रखा था, तो मैंने खेत से ना किनारे पर लगा दिया, कभी खेत में कार घुसले मैंने इसे किनारे पर लगा दिया, तो लग तो ऐसे रहे यार जैसे पूलम लग रही, और पता नहीं यहाँ पर चकोतरा पेड़ लगा था, ऊपर का हिस्सा हो गया ये नहीं मुझे पता कि नींबू है कि चकोतर है, ये नहीं मुझे पता कि किस चीज़ है, तो जब खेत में जम जाते हैं मैंने साइड में लगा दिया, जो भी होगा बाद में पता चला। तो पपीते के पेड़ आप देख सकते हैं पूरे क्यारी में मैंने ऊपर तक पपीते के पेड़ लगा दिए, तो यहाँ पपीता का पेड़ ना इतना बड़ा होता है, क्योंकि तीसरा फल है ही पपीते का, तो यहाँ पे पपीता हमसे तोड़े नहीं जाते, अगर हम डंडे से तोड़ते हैं तो नीचे आके वो गिर जाता है और फट जाते हैं, तो ऊपर चिड़िया ना आराम से खा रही है, देखो जैसे पीले हो जाते हैं वैसे चिड़िया खा जाती है। तो ये देखो ये होती है सब्जी, इसको कहते हैं चौलाई, अरे ये चौड़ाई व्हाइट वाली चौड़ाई जो होती है वैसे इसके बीज है। यहाँ पे मैंने पहले बोई थी पूरी जम गई, हाँ दोबारा इसमें बीज आएंगे, तो ये कद्दू की बेल है साइड में, तो चौहान जी अभी गुड़हल के पेड़ काटने, यार कहते हैं रात को ना शाम के टाइम ना पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो ये भगवान माफ़ कर देना, क्योंकि अभी टाइम मिल रहा है, तो ये कल ड्यूटी चले जाएंगे, जब ये कल ड्यूटी चले जाएंगे तो फिर यार कौन काटेगा इसे, मेरे बस का काटना तो है नहीं, तो ये फटाफट इसे काटेंगे। बहुत ही इसके ना मैंने एक टहनी लगाई थी, छोटी टहनी लगाई थी, और देखो छोटी टहनी से, और साइड में मैंने और भी लगा रखे हैं दो तीन कलर के, मैंने गुड़हल लगा रखे हैं गमले में भी मेरे ऊपर होंगे, और यहाँ पे मैंने क्यारी में भी दो तीन कलर के मैंने गुड़हल लगा रखे हैं। यहाँ पे ये देखो यार अब दिखाई मेहंदी का पेड़ थोड़ा सा, नहीं तो मतलब ऐसा कह जैसे गुड़हल का पेड़ ना वैसे हो जाता है मेहंदी का पेड़, मेहंदी के पेड़ ही बहुत बड़े होते हैं, तो कहाँ से होते उसके नीचे तो गुड़हल की छाया पड़ी थी। और पिछली बार आपने देखोगे अरबी मैंने वीडियो बनाई थी कि अरबी इतनी ज़्यादा हो रही थी, पूरे खेत में अरबी थी, इस बार अरबी के पत्ते कहीं दिख रहे, इसके नीचे मतलब इतना नुकसान हो गया यार गुड़हल के पेड़ के नीचे, तो उसमें ज़्यादा टहनियाँ निकली थी, और गुड़हल इतना प्यारा गुड़हल है ना क्या बताऊँ यार, मुझे फूल ये सोचती थी यार कि फूल कहाँ कहाँ लगाना है, तो जो हजी बैर फैम बस फूल तो दे दो इधर, फूल तो मैं अंदर ले जाऊँगी, तो ये काट के पूरे साफ कर दिया, गुड़हल का पेड़ भी काट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कह तो कह रहे मैं मिर्च की गुड़ाई कर देता हूँ, तो मैंने कहा यार मिर्च की गुड़ाई मत करो, रहने दो, तो क्योंकि अभी मच्छर काट रहे ना शाम को यार बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने गुदार भी छोड़ दी और वहाँ पर मिर्च का खेत भी छोड़ दिया। अगर आप लोगों को हम मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो भी मैं आपको खेती की दिखाऊंगी, हमने खेत में क्या क्या लगाया और कौन कौन सी सब्जी लगाई, और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है, फिर बाय बाय।